I moved to Gurgaon last year for my job and I was searching for a house out there. और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लाइक सो मिडिल क्लास कि जब बचपन में भी पापा पूछते थे ना तो बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो मुंह से निकलता था किराएदार. तो मुझे घर चाहिए था, तो मैंने अपना बुलेट उठाया और घर ढूंढने निकल गया. जिस घर के बाहर टूलेट लिखा था वहां जाके बेल मारी. आंटी बाहर आए बड़े प्यार से, कहती हाँ जी बेटा क्या चाहिए. मैं कहा आंटी वो घर देख रहा हूँ. बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ. मैं वहाँ यार गुड़गांव में तमीज भाई. बेटा कितना एरिया चाहिए तुम्हें. मैं कह आंटी 2 BHK चलेगा. हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही घर में आए हो, एक सेकंड रुकना. अरे सोनिया बेटा चाय ले आओ फटाफट. वो घर देखने आए थे. वहाँ सही आंटी की ममता जाग रही मुझे. बेटा बजट कितना तुम्हारा. मैं कह रही 25,000, कोई टेंशन नहीं. हाँ बेटा बिल्कुल सही घर में आए हो, एक सेकंड रुकना. अरे सोनिया बेटा चाय ले और फटाफट जल्दी, देर हो रही है उनको. सही यार काफी होमली फीलिंग है. तो बेटा साथ में कौन है, वाइफ फैमिली. मैं कह रही आंटी बैचलर. बेटा चाय रहने देना यार. और सोनिया तुम भी अंदर है ना. हाँ एंड सडनली कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन. कह रही बेटा बैचलर को घर नहीं देते हम लोग. ये क्या बदतमीजी है भाई. अब मैं वो आदमी हूँ जो 6 घरों से ना सुन के आ चुका हूँ बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. लाइक मेरे अंदर इतना गुस्सा है ना, स्केल ऑफ सचिन टू विराट कोहली में भज्जी लेवल पहुंच चुका हुआ था. आई काउंटर्ड हर. मैं क्या आंटी बैचलर को घर क्यों नहीं देते. कहते नहीं बेटा बैचलर ना लाउड म्यूजिक बजाते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक. मैं आंटी बैचलर है, बैंचो डीजे थोड़ी है. और ऐसा तो नहीं है कि EDM बजा के बोलेंगे आंटी ड्रॉप आने वाली है. आते जाते तुम्हारे पति को नहीं बोलेंगे अंक पुछ हैंड अप इन दी है. और माना माना पंजाबी लोग छत को कोठा कहते हैं, हम बना थोड़ी देंगे. आंटी नहीं मान रही भाई. कह नहीं बेटा बैचलर को देना नहीं. मैं कहा दिक्कत क्या आंटी. कह रही नहीं बेटा बैचलर ना रात को शोर शराबा करते बेटा. मैं आंटी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो यार. रात को बैचलर से शांत आदमी कोई नहीं होता. देखो बैचलर होते दो तरह के, या सिंगल या कमिटेड. जो सिंगल होते हैं वो लैपटॉप एयरफोन लेके कोना पकड़ के बैठे होते हैं. आपको क्या लगता है रात को डाउनलोडिंग स्पीड इतनी कम क्यों आती है. और जो मुझे से कमिटेड होते हैं वो बंदे के साथ बात करने के लिए कोना ढूंढ रहे होते हैं. मैंने खुद कई बार किचन के शेल्फ पे बैठ के बात करी है सर्दियों में. भाई साहब पिछवाड़ा सुन हो जाता है. एंड नो बैचलर के घर में शांति की होती है बिकॉज हमारा मैन टू मैन रूल होता है. एक मेरा लाइफ में बहुत सिंपल रूल है कि अगर तुम्हारा रूममेट बंदी के साथ बात कर रहा है फोन पे कमरे के अंदर और लाइट ऑफ, कभी अंदर नहीं जाते. क्योंकि सिंपल सी बात है यार, कोई भी आदमी ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता जैसे भुलाना मुश्किल हो जाए. तो आंटी मान ही रही. कह रही नहीं बेटा बैचलर को तो घर देना. मैं कहा दिक्कत क्या है आंटी लाइफ. कह रही बेटा पिछली बार बैचलर लड़कों को घर दिया था, जब छोड़ के गए हमने सफाई कराई, छी 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 क्या गंदी गंदी चीजें मिली ऊपर से, शराब की बोतलें, लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, तरह तरह की आवाजें आ रही. मैं कहा आंटी तमीज से बात करूं उसे, ठीक है घर नहीं देना मत दो, जलाओ तो मत. एंड व्हाट इज द होल पॉइंट अबाउट लड़कों को घर नहीं देना, बिकॉज दे माइट ब्रिंग गर्ल्स एंड माइट हैव सेक्स, बट दे आर गिविंग इट टू मैरिड कपल्स हु आर डेफिनेटली हैविंग सेक्स. एंड तुम्हें लगता है घर मिल जाएगा लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, नहीं होती. मेरे को लगा आंटी शक्की है, अंकल ठीक होगा. अंकल अलग लेवल का पॉजिटिव यार. मकान मालिक का काफी लाइक वो अंकल होते ना काफी पॉजिटिव होते लाइफ के बारे में. लाइक उनको लगता है मोहल्ले में कहीं चोरी होगी मेरे घर में होगी. अरे वो अंकल नहीं होते यार, शक्की अंकल. जाली वाले दरवाजे पे 3 कुंडियां, फिर लकड़ी वाले दरवाजे पे 3 कुंडियां. उनसे बात करने जाओ जब तक कुंडियां खुलती सारी बात ही खत्म हो जाती. फिर भी अंकल इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट सिक्योरिटी के, बेटा बाहर लोहे का दरवाजा उसको लॉक रखा करो. अंकल बात सुनो, वो लोहे के दरवाजे और 6 कुंडियों के बीच में 4 गमले पड़े हैं, जो गमले किसके चोरी में आते. जस्ट इमेजिन दो चोर बात कर रहे हैं. अबे तू क्या लाया, एक सोने की चेन और एक टीवी, और तू 3 मनी प्लांट 2 बोगनवेल.